पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि सरकार ने कसम खा ली हो कि जितना पेट्रोल का दाम चुनाव में कम किया था वो सब एक बार में वसूल लेना है। पता है आपको कि चुनाव के वक्त यानी कि पिछले नवंबर से लेके मार्च के बीच तक 2.25 अरब डॉलर का सरकार को नुकसान हुआ। शायद इन पैसों को हम कैलकुलेटर से भी जोड़ के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना है। इतना नुकसान होने के बाद भी सरकार ने पेट्रोल के रेट कम ही रखे। इसलिए इस खबर को देखने के बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप 10,000 का भी पेट्रोल खरीद लेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी समझाऊंगा आज कि किस तरीके से पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पे लगाम लगाया जा सकता है। आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? आसमान दिखाकर जेब काट लिया, और आज भी कुछ लोगों की नजर आसमान पे ही है, वो जेब देखना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो अच्छे दिन लोगों को दिखाना नहीं चाहती। अच्छे दिन नहीं। कच्चे तेल की कीमत लगातार कम होते नजर आ रही है। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगर बात करें तो उसमें भी पेट्रोल के दाम 450 रुपए कम होकर 8,120 रुपए प्रति बैरल हो गए हैं। यानी कि पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो आज पेट्रोल के दाम 450 रुपए कम होते हुए प्रति बैरल दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो सिंपल अंदाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये समझ लीजिए कि सरकार को पेट्रोल बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार 8 दिन से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल में 80 पैसा और डीजल में 70 पैसे की बढ़ोतरी सरकार ने कर दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आसमान दिखा के जेब काट ली, तो आप ये समझिए कि इस समय दिल्ली में जो पेट्रोल का रेट है वो 5 महीने बाद फिर एक बार 100 रुपए पार पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो ये जवाब मिलेगा कि जो पिछली सरकार थी यानी 7 साल पहले की जो सरकार थी कांग्रेस, उसकी गलती की वजह से आज पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का जवाब है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछली सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे जिसके वजह से पेट्रोल की कीमत जो देश में है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। दरअसल मैं आपको कहूं अगर तो पिछली सरकार ने एक तरीके से कर्ज लिया था पेट्रोल लेते समय, जो अब बीजेपी सरकार 2025-2026 तक चुका रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये सीतारमन का कहना है, और मैं आपको बता दूं इसको लेके इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो JNU से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। फिलहाल आपको याद होगा कि सत्ता में बीजेपी सरकार महंगाई को लेके आई थी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस में महंगाई आसमान छू रही है, तो बीजेपी में क्या छू रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी को लेके स्मृति ईरानी और बॉलीवुड के कई एक्टर्स सड़क पर आ गए थे, कई तरीके के गाने बन रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि भैया महंगाई जो है वो आसमान छू गई है। आप गाना सुनिए। फिलहाल हम सबको पता है कि देश में चुनाव आते ही पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाते हैं। इस देश में वोट लेना इतना आसान है कि 5 साल आप कुछ भी करो, जब चुनाव आए तो पेट्रोल के दाम कम कर दो, जनता खुश होके आपको वोट दे देगी और जनता सब कुछ भूल जाएगी। और आज कोई पूछने को तैयार नहीं है सरकार से कि क्यों पेट्रोल के रेट इतने बढ़ रहे हैं। और अगर गोदी मीडिया की बात करूं तो वो पैसे से चिप निकालने में पड़ी हुई है। फ्रीजर में रखते ही ये चिप उगलने लगेगा। अब ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में 2000 का नया नोट है। 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। कुछ भी न्यूज चैनल में ऐसी खबरें दिखाई नहीं जाती, क्योंकि अगर मुर्गा लड़ाने से पैसे मिल रहे हैं, TRP बन रही है, तो खबर किसको दिखानी। फिलहाल पेट्रोल पे आते हैं। 2012 यानी कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त $105 प्रति बैरल पेट्रोल की कीमत थी कच्चे तेल की। यानी कि उस समय जो कांग्रेस सरकार थी वो 73 रुपए में जो पेट्रोल था वो देश में दे रही थी। जिसके बाद 2015 से लेकर 2020 तक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत ही ज्यादा सस्ती हो गई थी जिस समय बीजेपी सरकार थी, लेकिन पेट्रोल के दाम में कुछ भी असर भारत के अंदर दिखाई नहीं दिया। तो अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो पिछली सरकार अगर $105 प्रति बैरल में खरीद के 73 में बेच रही थी, तो ये जो नई सरकार है, जो सरकार इस समय है प्रेजेंट में, वो $106 प्रति बैरल खरीदने के बाद, यानी कि $1 का ही फर्क आ रहा है एक बैरल पे, उसके बाद ये 100 रुपए में बेच रही है। इसकी वजह क्या है? अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आया है कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो मैंने जो क्लियर वीडियो बनाई है जो इससे पहले, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बात किया है पेट्रोल किस तरीके से बढ़ रहा है, पेट्रोल में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, कितने रुपए में पेट्रोल पहले मिल रहा था और अब कितने रुपए में मिल रहा है,
उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक है वो डाल दे रहा हूँ, उसमें जाके आप उसको क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिलहाल जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 2.25 अरब डॉलर का सरकार को नुकसान हुआ, उसके बाद भी सरकार ने चुनाव में पेट्रोल के दाम कम नहीं किए। तो एक खबर की माने तो पिछले दिनों मॉड्यूल रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि भारत के जो टॉप फ्यूल रिटेलर्स है यानी कि IOC, BPCL, HPCL, इनको नवंबर से लेकर मार्च के बीच में 2.25 अरब डॉलर यानी कि 19,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। रेटिंग एजेंसियों ने यह भी कहा है कि नवंबर से लेकर मार्च के बीच में जो हमारा नुकसान हुआ, यानी कि जब चुनाव चल रहा था तो पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए गए क्योंकि चुनाव चल रहा था, तो उस समय रेटिंग एजेंसियों के हिसाब से पेट्रोल में काफी नुकसान हुआ। तो वो भारत सरकार से अब उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ाने में उनको अनुमति मिले, ताकि जो उनका नुकसान हुआ है वो उसको फिर से जनरेट कर सके और अपनी क्षतिपूर्ति कर सके। लगातार 80-80 पैसे बढ़ाने पर मोदी ने ये कहा था कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ये लग रहा है कि एक बार में पैसे ना बढ़ाकर धीरे धीरे पैसे बढ़ाए जाएंगे, ताकि जनता के जेब पे ज्यादा असर ना पड़े और जनता को ये ज्यादा ना लगे कि एक बार में पेट्रोल चुनाव खत्म होते ही बढ़ा दिया। फिलहाल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल GST के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाने से बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से रोज रोज डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ रही है, उसको लगाम लगाने के लिए GST के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाना होगा। तो यानी कि साफ है कि जिस तरीके से प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि सरकार अगर GST के अंदर पेट्रोल और डीजल को ले आती तो आप सबको यानी कि पूरे देश को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस देश में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको फर्क नहीं पड़ता, जिनके हिसाब से देश का नाम पूरी दुनिया भर में हो रहा है, इनकी अगर माने तो 2014 से पहले इंडिया मैप में था ही नहीं। दूसरे वो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका दिन में चाहे 1,000 खर्च हो चाहे 1,00,000 खर्च हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको खाली एक ही काम है, कमाना। तीसरे वो जो दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से अपना घर चलाते हैं। फिलहाल अगर आप तीसरे में हो तो अपना कमेंट जरूर दें हमें, हमें बताएं कि पेट्रोल का रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है क्या आपके जेब पे असर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का मैं स्वागत करूंगा। और कल मिलूंगा फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।